Twenty-four-seven teachers training. A lesson-by-lesson lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. असलकुम मोहतरम टीचर स्नोमैन पब्लिशर्स की जानब से खुश आमदीद ये सेशन पाँचवीं जमात की इस्लामियात के बाब दोम के हिस्सा अलफ़ पर मुश्तम है जिसका आखिरत है आइए सबसे पहले जानते हैं सबक के हासिल ताल के बारे में इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अकैदा आखिरत के मानी मफहूम को समझ सकें अक़दा आखिरत की अहमियत से आगाही हासिल कर सकें आखिरत और क़्यामत के तस्वुर को समझ कर दुनिया और आखिरत का बाही ताल्लुक़ समझ सकें अक़दा आखिरत के असर से आगाही हासिल कर सकें और आखिरत में जवाबदही का एहसास करते हुए नेक अमल करने की तरफ रागब हो सकें तलबा की तोहद के बारे में पहले से फहमो समझ की जाँच के लिए सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले चंद सवालों के ज़रिए मजमून की तमहीद उठाएँ मसलन अकीदा क्या होता है दुनिया और आखिरत में कामयाबी का क्या मतलब है वगैरह तलबा को अक़दे के बारे में समझाएँ उन्हें बताएँ कि लफ्स अकीदा का मफहूम है ईमान लाना हम मुसलमानों के लिए लाजम है कि हम अल्लाह तर उसके रसूलों पर आसमानी किताबों पर फरिश्तों पर और रोज़ आखिरत पर सच्चे दिल से ईमान लाएं। इसके बाद तलबा को आख़िरत के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि ये वो दिन होगा जब अल्लाह ताला के हुक्म से ये दुनिया और इसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हम मुसलमानों का इस दिन पर ईमान है और ये अक़दय आखिरत कहलाता है ये दुनिया आर्जी है एक दिन इसने फना हो जाना है ये कब ख़त्म होगी ये सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम है तलबा को इस दुनिया की हकीकत के बारे में किताब में दी गई आयत सुनाएँ और इसका तर्जुमा समझाएँ इसके बाद तलबा से सबक के अकीद आखिरत वाले हिस्से की बुलंद आवाज़ में पढ़ाई करवाएं। तलबा को बताएं कि जब आखिरत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्ते हज़रत अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे जिससे तमाम लोग और ये दुनिया फना हो जाएगी फिर उसके बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा और अल्लाह ताला के हुक्म ही से तमाम लोग हज़रत आदम सलाम से लेकर आखिरी बशर तक दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे उस रोज़ हिसाब का दिन होगा इस दुनिया में हमने जो काम किए होंगे हमें उनके मुताबिक अजर मिलेगा अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते मुकर किए हैं जिन्हें करामन कातबीन कहते हैं ये फरिश्ते हमारा हर अमल लिखते हैं चाहे वह अच्छा हो या बुरा ये जो रिकार्ड तैयार कर रहे हैं उसे अमाल कहते हैं इसी नामा अमाल पर रोज़े क्यामद हमारा हिसाब होगा ये ऐसा ही है जैसे आपकी स्कूल रिपोर्ट तैयार की जाती है इस रिपोर्ट पर आपकी कारकर्दगी का हर पहलू दर्ज होता है और इसी की बिना पर पता चलता है कि आप पास हैं या फेल बस हमारे नामा अमाल में अगर नीतियाँ होंगी तो हम पास होंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे लेकिन जिसके अमाल में बुराइयाँ हुई तो ऐसे लोगों का ठिकाना दो जख है जो इंतहाई तकलीफ़ जगह है इसके बाद तलबा से सबक के रोज़ क़्यामत और नामा अमाल वाले हिस्से की बुलंद आवाज़ में पढ़ाई करवाएं तलबा से पूछें कि अगर उन्हें ये बात मालूम हो कि वो मेहनत से पढ़ाई के किए बग़ैर भी पास हो जाएंगे तो क्या वो मेहनत करेंगे या उन्हें ये मालूम हो कि अच्छी कारकर्दगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सबको एक जैसा सिला मिलना है तो क्या वो अपनी अच्छी कारकर्दगी पर पूरी तरह से तवज्जो मरकूज़ रखेंगे यकीनन ऐसा नहीं होगा इसी तरह अकदा आखिरत पर ईमान हमें सीधे रास्ते पर चलने में मदद देता है हम जानते हैं कि हमने अपने हर अमल का जवाब देना है और सीधे रास्ते पर चलकर कर होना है इससे हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हैं सरगर्मी तलबा से अक़दय आखिरत के हमारी ज़िंदगी पर असरात के अनवान पर गुफ्तु करवाएँ और उनसे कहें कि इस गुफ्तु के अहम निकात अपनी कापियों पर लिखें किताब की मदद से तलबा को आखिरत में कामयाबी के बारे में बताएं उन्हें बताएं कि हमें हर वक्त अपनी आखिरत याद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के बताए गए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सकें इसके बाद तलबा से सबक के आखिरत में कामयाबी वाले हिस्से की बुलंद आवाज में पढ़ाई करवाएं। सरगर्मी एक मशहूर मकूला है कि दुनिया आखिरत की खेती है इस इसवान पर कमरा जमात में एक तकरीरी मुकाबला करवाएं। पढ़ाई के सबक से मतलब तलबा की जांच के लिए उनसे पूछें कि उन्होंने इस सबक से क्या सीखा है हमें आखिरत की तैयारी कैसे करनी चाहिए घर के काम के लिए तलबा को आखिरत में कामयाबी के चंद अहम निकात कापी पर लिख कर लाने को कहा जा सकता है मोहतरम टीचर आपकी समात का शुक्रिया हाफ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मोहतरम टीचर स्नोमैन पब्लिशर्स की जानब से खुश आमदी ये सेशन पाँचवीं जमात की इस्लामियात के बाबदम के हिस्सा अलिफ पर मुश्तम है जिसका आखिरत है आइए सबसे पहले जानते हैं सबक के हासिल ताल के बारे में